एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट या कैपिलैरिटी के अंदर गेम ऑफ एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स है। और जैसे हमने लास्ट टाइम किया था कि अगर मान लो लिक्विड की सरफेस है, मैं यहाँ लिक्विड भर देता हूँ और ये कंटेनर्स हैं, कंटेनर के अंदर लिक्विड है, तो वॉल जो है उसकी फोर्स वाटर के मॉलिक्यूल की बहुत स्ट्रांग है, तो आपका लिक्विड थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ जाता है और इधर से भी ऊपर जाएगा, लेकिन बीच में आपको फ्लैट दिखेगा क्योंकि सॉलिड का सरफेस बीच में नहीं है। ठीक, तो इसका जो ये जो शेप है ये कंकेव है और जो आपकी मरकरी है वो बिल्कुल भी चिपकती नहीं है कंटेनर के साथ। तो मरकरी मरकरी की बहुत स्ट्रांग फोर्स है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि आपका अगर लिक्विड अगर आपने मान लो ज़मीन पर फेंक दिया, वो तो चिपकता जाता है ग्राउंड के साथ, गीला भी कर देता है उससे। और बहुत सर्फेसेज ऐसी हैं जहाँ पर लिक्विड, ज़्यादातर सर्फेस ऐसे हैं जहाँ लिक्विड गीला करता है। मैं आपके ऊपर भी पानी गिर दूंगा, आप भी गीले हो जाएंगे, क्योंकि वाटर वाटर की फोर्स बहुत स्ट्रांग नहीं है और बाकी बॉडीज की स्ट्रांग है। मरकरी को ज़मीन पर गिर के देखो, छींटे गिर देखो मरकरी के, मतलब ही नहीं है कि वो एकदम फ्लैट हो जाए। मरकरी तो एकदम चिपकती जाती है और स्फेरिकल, जितना छोटा ड्रॉप होगा उतना स्फेरिकल बनेगा, ज़मीन से मिनिमम एरिया कॉन्टैक्ट में रहेगा मरकरी का, मतलब फैलेगी तो बिल्कुल भी नहीं, पानी फैलेगा क्योंकि वो जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं वो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इसके सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन मरकरी मरकरी की फोर्स बहुत स्ट्रांग है तो वो चिपका रहेगा, तो इसलिए कंटेनर से चिपक नहीं रहा, तो मेनिस्कस इस शेप का मेनिस्कस है। और उसी तरीके से कोई लिक्विड ऐसा है जिसकी कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस बराबर हैं, मतलब कंटेनर ने मॉलिक्यूल को खींचा और मॉलिक्यूल ने मॉलिक्यूल को खींचा, बात बराबर है, तो नेट फोर्स जीरो है, कोई फर्क ना पड़ता, तो ये सरफेस क्या रहेगी, फ्लैट रहेगी। तो इसमें यही बताया हुआ है कि अगर वाटर जैसा सरफेस है तो इसके अंदर एडहेसिव फोर्स कोहेसिव से बड़ी है, क्योंकि चिपकने की फोर्स, कंटेनर ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स लगाएगा और डिफरेंट मॉलिक्यूल की फोर्स को क्या बोलते हैं, एडहेसिव बोलते हैं, तो एडहेसिव की फोर्स कोहेसिव से बड़ी है। और मरकरी के केस में कोहेसिव की फोर्स एडहेसिव से बड़ी है और प्लेन सरफेस में दोनों फोर्सेस बराबर है। तो ये बेसिकली मेनिस्कस का कॉन्सेप्ट है। इसके बेस पे एक कॉन्सेप्ट है जिसको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को देखते हैं।